How are you all? Myself Ali Javed. Warm welcome to all the students. Today we are discussing about the fourth chapter of class Matric, King Faisal. Faisal of Saudi Arabia was born in 1907 and was the second son of King Abdulaziz ibn Saud. यानी सऊदी अरब के मरहूम बादशाह किंग फैसल 1907 के अंदर पैदा हुए और वो किंग अब्दुल अजीज इब्ने साउद के दूसरे बेटे थे। ही रिसीव्ड रिलीजियस एजुकेशन फ्रॉम हिज मैटरनल ग्रैंडफादर शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ और इन्होंने अपनी मजहबी तालीम अपने नाना शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ से हासिल की। एट एन अर्ली एज अपनी तालीम कम उम्री में ही मुकम्मल करने के बाद फैसल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड हेल्प हिज फादर इन गवर्निंग द कंट्री। इन्होंने रियासत के अमूर में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और अपने वालिद के मुल्क चलाने में मदद करने लगे। ही वॉज मेड गवर्नर ऑफ हिजाज व्हेन शी वॉज ओनली 20 और सिर्फ 20 साल की उम्र में ही इन्हें हिजाज का गवर्नर बना दिया गया। He served as Saudi foreign minister, visiting several countries of the world where he held important discussions and gained a great deal of experience. बाद में इन्होंने सऊदी वजीर खाजा की हैसियत से दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक का दौरा किया, जहां इन्होंने अहम तबादला ख्याल किया और खूब तजुर्बा हासिल किया। He also had the opportunity of holding the command of the armed forces of his country. इसे अपने मुल्क की मुसलह फौज की कमान संभालने का भी मौका मिला। His eldest son Saud became the king. शाह अब्दुल अजीज की वफात के बाद इनका बड़ा बेटा सऊद बादशाह बन गया। फैसल वॉज मेड द क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1958। फैसल को 1958 में वली अहद शहजादा और वजीर आजम बनाया गया था। सऊदी अरेबिया वॉज इन सीरियस डिफिकल्टीज एट द टाइम। सऊदी अरेबिया उस वक्त शदीद मुश्किल में था। फैसल यूज हिज विजडम एंड इंटेलिजेंस टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज। फैसल ने अपनी अकलमंदी और दानिशमंदी को इस्तेमाल किया इन मसाइल पर काबू पाने के लिए। इन 1960 ही रिजाइन फ्राम द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 1960 के अंदर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के अहदे से इस्तीफा दे दिया बट एक्सेप्टेड अगेन इन 1962। लेकिन 1962 में दोबारा इन्होंने इस अहदे को कबूल कर लिया। किंग हिज एल्डर ब्रदर किंग साउद फेल सीरियसली इन 1964। 1964 में जब उनके बड़े बसोदर बीमार पड़ गए एंड फैसल वॉज चूजन एज द किंग बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वज़रा की काउंसिल ने इन्हें किंग बादशाह मुंतखब किया। किंग फैसल वॉज डिवोटेड टू इस्लाम। शाह फैसल इस्लाम से तरशार थे। ही वॉज अ गुड मुस्लिम एंड लीड अ सिंपल लाइफ। वो एक अच्छे मुसलमान थे और एक आम सादा जिंदगी बसर करते थे। ही डिड हिज बेस्ट टू सी हिज पीपल लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम। इन्होंने अपनी कौम को इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए पूरी कोशिश की। ही पजेस ग्रेट क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप एंड प्रूव टू बी एन एबल रूलर। वो कदा सलाहियतों के मालिक थे और एक काबिल हुक्मरान साबित हुए। ही लव्ड हिज पीपल एंड रूल द कंट्री वाइसली एंड जस्टली। वो अपने लोगों से प्यार करते थे और मुल्क पर हिकमत और इंसाफ के साथ हुक्मरानी की। ही लव अंडर हिज रूल सऊदी अरेबिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन मैनी फील्ड। इनके दौरे हुकूमत के अंदर सऊदी अरब ने बहुत से शोबों में बहुत तरक्की हासिल की। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द डिवेलपमेंट ऑफ हिज कंट्री। इन्होंने अपने मुल्क की तरक्की पर बहुत पैसा खर्च किया। द मेन इनकम ऑफ सऊदी अरब द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर सऊदी अरेबिया इज मिनरल ऑयल एंड ही मेड एवरी एफर्ट टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन। इनकी आमदनी का सबसे बुनियादी जरिया जो था वो था मादनी तेल और इन्होंने इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। न्यू फैक्ट्रीज एंड मिल्स वर सेट अप इन सऊदी अरेबिया एंड इंडस्ट्री मेड ग्रेट प्रोग्रेस। सऊदी अरब में नई फैक्ट्रियाँ और मिलें कायम की गईं और सन्नत ने बहुत तरक्की की। वेस्ट एरियाज ऑफ द डेजर्ट वर एरीगेटेड एंड न्यू लैंड वर ब्राउट अंडर कल्टिवेशन। सहरा के बेशतर इलाकों को सैराब किया गया और नई जमीनों को काश के तहत लाया गया। फैसल कंसिडर्ड एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिज पीपल।
फैसल अपने आवाम की तरक्की के लिए तालीम को बहुत अहम समझते थे। ही ओपेंड मैनी स्कूल्स वेयर एजुकेशन इज़ फ्री फॉर ऑल। इन्होंने बहुत से स्कूल खोले जहाँ तालीम सब के लिए मुफ्त थी। ही सेट अप सेवरल यूनिवर्सिटीज़ वेयर स्टूडेंट्स आर नॉट ओनली गिवन फ्री एजुकेशन बट आर ऑल्सो अवार्डेड स्टिपेंड्स टू मीट अदर नीड्स एज वेल एज। इसने मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियाँ कायम की जहाँ तलबा को ना सिर्फ मुफ्त तालीम दी जाती थी बल्कि इन्हें दूसरी ज़रूरत पूरी करने के लिए वजीफ़ा भी दिया जाता था। ही ऑल्सो स्प्रीड अ नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज ऑल ओवर हिज वेस्ट किंगडम। इन्होंने अपनी पूरी रियासत में अस्पतालों और डिस्पेंसरी का जाल बिछाया। नाउ अ बेडुइन लिविंग इवन अ थाउजेंड किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल विल फाइंड अ हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी नॉट फार फ्रॉम वेयर ही लिव्स। यानी अब दारुलहुकूमत से 1000 किलोमीटर दूर रिहाइश पज़ीर एक बेडुइन को एक ऐसा अस्पताल या डिस्पेंसरी मिलेगी जहाँ वो रहता था। इफ़ यू विजिट के एस ए द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यू विल फाउंड हंड्रेड ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स नर्सेज एंड टीचर सर्विंग द अरब ब्रदरन। अगर आप कभी सऊदी अरेबिया का दौरा हो तो आपको सैकड़ों पाकिस्तानी डॉक्टर नर्सों और असातिज़ा मिलेंगे जो अपने अरब भाइयों की खिदमत कर रहे हैं। द किंग हेल्प द नीडी एंड द पुअर एंड प्रोवाइडेड मैनी फैसिलिटीज़ टू द पिलग्रिम्स। यानी बादशाह यानी किंग फैसल ने मसाकीन और मिस्किनों की मदद की और हुज्जाज को बहुत सी सहूलियात फराम की। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग विश टू यूनाइट द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड एंड डिड हिज बेस्ट टू ब्रिंग द मुस्लिम्स लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज क्लोजर टुगेदर। यानी इनकी पूरी ख्वाहिश थी कि वह दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद करें और अपनी पूरी कोशिश की कि मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाया जाए। His services in making the Muslim conscious to the need for brotherhood can never be forgotten. ठीक, मुसलमानों की अख़वत की ज़रूरत के बारे में शऊर दिलाने में इनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इट इज़ नाउ द ड्यूटी ऑफ द मुस्लिम टू कंटिन्यू हिज स्ट्रगल फॉर द अचीवमेंट ऑफ दिस यूनिटी। अब मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि वह इसके इस इत्तेहाद के हसूल के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। ही प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीच एंड असिस्टेड द मुस्लिम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने दुनिया के मुस्लिम ममालिक को जिस चीज़ की तबलीग और मदद की इस पर अमल करके भी दिखाया। ही वॉज एन इक्वल पार्टनर विद पाकिस्तान इन होल्डिंग द इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस एट लाहौर इन 1974। किंग फैसल 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद में पाकिस्तान के साथ बराबर के शराकत दार भी थे। किंग फैसल वॉज अ सिंसियर फ्रेंड एंड वेल विशर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। शाह फैसल पाकिस्तानी अवाम के मुखलिस दोस्त और खैरख्वाह थे। ही गेव जेनरस हेल्प टू दिस कंट्री ऑन सेवरल ओकेशन। इन्होंने मुतअद्दिद मौक़े पर पाकिस्तान की मदद की। परहैप्स नो वन आउटसाइड पाकिस्तान कुड बी मोर अनहैप्पी दैन किंग फैसल वॉज ऑन द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान विच इज़ नाउ कॉल्ड बांग्लादेश। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का जो अब बांग्लादेश है, शायद फैसल से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर ही कोई और नाखुश हो सकता था जितना कि किंग फैसल थे। He was against the state of Israel because of its enmity towards the Arabs. अब रियासतों के दुश्मनी की वजह से वह रियासत इसराइल के ख़िलाफ़ थे। He strengthened the Arabs in their war against Israel. इन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ इनके जंग में अरबों को तकवीत दी। He felt deeply grieved when Israelis set the Al-Aqsa Mosque on fire. वह शदीद गमजदा हुए जब इसराइलियों ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी थी। He made every possible efforts to get back the Arab territories under the illegal occupation of Israel. और इन्होंने इसराइल के गैर कानूनी कब्जे में अरब इलाकों को वापस हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश भी की। This great king died in an assault by a weak nephew of his on 25 March 1975. ये अजीम बादशाह 25 मार्च 1975 को अपने बदकार भतीजे के हमले में फौत हो गया। द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मॉर्न्ड हिज डेथ। फिर दुनिया के मुसलमानों ने इनकी मौत पर शोक मनाया। द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन पर्टिकुलर फेल डीप ग्रीफ एट दिस सैड न्यूज़। खास तौर पर पाकिस्तानी अवाम को इस अफसोसनाक खबर पर गहरा रंज हुआ, गम हुआ। देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस इन पाकिस्तान विच डिड नॉट मॉर्न हिज डेथ एज इफ एन एल्डर ऑफ दिस फैमिली पास्ड अवे।
पाकिस्तान में एक भी घर ऐसा ना था जिसकी जिसने इसकी मौत पर मातम ना बनाया हो। गोया इस ऐसा लग रहा था कि ख़ानदान का कोई बुजुर्ग इंतकाल कर गया हो। ये पिटा पिक्चर्स मौजूद हैं इनके भतीजे की जिन्होंने किंग फैसल को मारा था। ही लिव लाइक अ सोल्जर एंड डाइड अ मार्टियर। वो एक सिपाही की तरह रहे और शहीद हो गए। विद हिज डेथ नॉट ओनली सऊदी अरेबिया बट आल्सो द होल मुस्लिम्स वर्ल्ड हैज लॉस्ट अ सिंसियर एंड बोल्ड लीडर। इनकी वफा से ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया ने एक मुखलिस और जरूरतमंद रहनुमा खो दिया। ही वॉज द रिलीजियस लीडर ऑफ द मुस्लिम्स एंड द गार्डियन ऑफ टू हॉली प्लेसिस ऑफ द मक्का मुकर्रमा एंड मदीना। वो मुसलमानों के मजहबी पेशवा और मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दो मुकद्दम मकामात के सरपरस्त भी थे। द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हु हैव ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम विल रिमेंबर हिम एज अ नोबल एंड पायस मुस्लिम लीडर एंड हिज नेम शैल लिव फॉरएवर इन देयर हर्ट्स। वो दुनिया के तमाम मुसलमान जो इनसे बेहद मोहब्बत और एहतराम करते हैं वो इन्हें एक नेक और मुत्तकी मुसलमान रहनुमा की हैसियत से याद रखेंगे और इनका नाम हमेशा इनके दिलों में जिंदा रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा एंड होता है। एनी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स? ये 8 इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने कॉपी में राइट डाउन करने हैं और इनके आंसर अपने अपने ओन वर्डिंग में लिखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।